विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में आज सदर अस्पताल आरोग्य भवन परिसर में एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सदर SDM नैंसी सहाय ने रेड क्रॉस सोसाइटी पलामू जिला इकाई को अपने मूल उद्देश्य के प्रति सजग रहते हुए सेवा भावना से कार्य करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस की स्थानीय इकाई में गड़बड़ियों की शिकायत अब बीते दिनों की बात हो गई। SDM ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आगे आने वालों को विशेष तौर पर सम्मानित करने की जरूरत है, जिससे कि समाज सेवा के इच्छुक लोग प्रेरणा ग्रहण कर सके। गोष्ठी के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी जिला इकाई सचिव डॉक्टर सत्यजीत गुप्त समेत सोसाइटी के अन्य पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और एक टीम वर्क के तहत सेवा भावना से कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस के उपलक्ष्य में सदर अस्पताल में इलाजरत गरीबों के बीच SDM ने सोसाइटी की ओर से फलों का वितरण भी किया। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर यहाँ पलामू इकाई के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ जो नव निर्मित आरोग्य सदन है, जिसका इन लोग के सहयोग के द्वारा, कॉन्ट्रीब्यूशन के द्वारा उसका रेनोवेशन कराया गया है, उसका इनॉग्रेशन किया गया। बहुत ही अच्छी पहल है और इसके लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के सारे मेंबर्स, सारे जितने भी लोग इसे जुड़े हुए हैं, अग्रवाल जी का, मिश्रा जी का, सारे जो रेड क्रॉस सोसाइटी के अन्य पदाधिकारी हैं, सबके सहयोग से ये कार्य हुआ है, तो सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यहाँ सदर अस्पताल में भी फल का वितरण किया गया इस अवसर पर। तो आशा है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का फॉर्मेशन जिस इंटेंशन के साथ हुआ था, नवंबर में जब इसका पुनर्गठन पलामू हुआ, उसके बाद ये लोग अच्छा कार्य करें और आशा है आगे भी अच्छा कार्य।